हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आज मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंगारा पनीर बनाने जा रही हूँ, जो कि अनंत को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत जल्दी बन, क्योंकि उसे मैं हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो ये अंगारा पनीर मेरा कुछ अलग है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कढ़ाई रखना है और गैस कर देना है ऑन, और एकदम थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। ये देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा ही है, छोटी टेबल स्पून में 4 टेबल स्पून ऑयल डाले हुए हैं हमने इसमें। अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें हम थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, तो दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा, इलायची और जावित्री एकदम थोड़े से ही डालना है। बस इनको हल्का सा ही तड़क जाने देना है। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये 1 इंच के करीब अदरक को हमने इस तरह से कुचल कर तैयार कर लिया है, और लहसुन, इन सबको थोड़ा सा ही हमें फ्राई कर लेना है। सबसे पहले इसकी ग्रेवी ही सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस इसमें हमने 8 से 10 काजू डाल दिए हैं। अब काजू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस ये देख सकते हैं हमारे काजू भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से काट कर तैयार कर दिया है। बस प्याज को भी हमें इस तरह से हल्का सा ही फ्राई करना है। बस 2 मिनट ही इस तरह हमें चलाते रहना है, और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये तेज पत्ते जो हैं, हमें अलग से निकाल कर रख देना है, क्योंकि से तेज पत्ते का फ्लेवर तो ऑयल में आ ही जाता है। बस हमने 2 टमाटर को भी इस तरह से काट कर तैयार कर लिए थे, तो बस इस तरह से हम अपने टमाटर को गलने तक पकाना है बढ़िया सा, ऐसे इस तरह से चलाते हुए। ये देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। ये देख सकते हैं हमारे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस तरह कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। दोस्तों, नया नया अपडेट आया है कि अभी शॉर्ट वीडियो नहीं, आप जो वीडियो बनाते हैं आप वही डालिएगा, शॉर्ट वीडियो का अलग से आप चैनल खोलिएगा। बस अब हमें करना क्या है कि इस तरह से हमें जार में डाल देना है ठंडा होने के बाद। बढ़िया, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम फिर से, अब कढ़ाई को हमने खाली कर लिया है, फिर इसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये देख सकते हैं एक हमने इसमें से शिमला मिर्ची को इस तरह से बड़ा बड़ा काट कर तैयार कर लिया, क्योंकि से अंगारा पनीर बहुत टाइप का बनता है लेकिन हम थोड़ा सा अलग टाइप का बना रहे हैं। सिर्फ पनीर पनीर भी रहता है लेकिन आज हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्ची और प्याज ऐड कर रहे हैं। इस तरह से मोटा मोटा काट कर इसको हल्का सॉफ्ट होने तक हमें इसे ढक कर कवर कर लेना है और पका लेना है। ये हल्का सॉफ्ट हो चुका, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पीसेस रहने हैं। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। बस इन सारे मसालों को हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये अब इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, जीरे से भी टेस्ट हमारा बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हमने जो ग्रेवी बना कर रखी हुई थी एकदम सॉफ्ट सी सारी चीज़ों की, तो उस ग्रेवी को ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे इस तरह से हाथ से क्रश करके, और स्लो गैस में बढ़िया सा हमें ऑयल निकलने तक फ्राई करना है। फिर इसमें हम फ्रेश 2 टेबल स्पून मलाई ऐड कर देंगे, ताकि मलाई का टेस्ट इतना बढ़िया आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है आज हमारा अंगारा पनीर। तो प्लीज़ दोस्तों इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर। और बस इससे के बाद हमें डाल देना है पनीर। हमने 100 ग्राम पनीर को इस तरह से पीसेस कर लिए थे, देख सकते हैं हमारा ऑयल रिलीज होने लगा है। अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी कर देंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे, इस तरह से हल्की सी ही ग्रेवी करेंगे, तब जाके इसका टेस्ट। अब इसको हम कवर कर देंगे, बॉयल आने लगी, ये देख सकते हैं हमारा बॉयल आने। फिर इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। बस इस तरह से आप देख सकते हैं हमने नीचे अंगार को रख दिया था, तो अंगार भी बढ़िया सा ये गर्म हो चुका है, एकदम से उसमें से धुआं निकलने लगा है। अब प्लेट रख के हम इसमें अंगार रख देंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें शुद्ध घी ऐड कर देंगे, ये देख सकते हो, कर देंगे कवर। फाइनली हमारा अंगारा पनीर बनकर एकदम रेडी है। आई होप को मेरा